Hey guys, what's up? This is Suman Guthari. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely good. I'm sure title dekh ke to aapko pata chal hi gaya hoga that we are going to talk about how you can do your laser hair removal at home. Matlab jo log mujhe bahut time se follow kar rahe hain unhe to pakka pata hai ki maine kuch around 2 years back actually went to a proper clinic and laser hair removal on few of my body parts, which is definitely super expensive. It is not really convenient because tumhe jana padta hai har month ek do sessions ke liye, and it's like a long term process. It almost takes you approximately 8 to 10 sittings, which is a year, kyunki wahan pe tum mahine ke ek hi sitting kar sakte ho. And it is definitely not that convenient nowadays, kyunki lockdown mein tumhara bahar jana to possible hi nahi hota hai. And this thing needs to be very consistent. अगर तुम बीच में एक दो महीने का ब्रेक ले लोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा सिटिंग्स करवानी पड़ेगी बिकॉज वो हेयर ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुका होगा. माई एक्सपीरियंस वॉज इन दैट ग्रेट. इनफैक्ट मैंने बीच में भी इस बारे में बात की थी ऑन माई इंस्टाग्राम सेइंग दैट मेरे अंडर आर्म्स के जो हेयर है वो अभी भी वेरी मच नॉर्मल है. मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कभी जाकर लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट करवाया भी है. सो इट वॉज नॉट रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ऑफकोर्स इट वॉज लाइक अ ह्यूज अमाउंट दैट आई हैड टू पुट इन. बट नाउ अब तो भाई मतलब ऐसे हैंड सेट्स आ गए दैट यू कैन एक्चुअली यूज इट एट योर होम कम्फर्ट एंड इन फैक्ट दिस इज वेरी इनएक्सपेंसिव. मैंने अपनी कुछ सिटिंग्स रिकॉर्ड किए बिकॉज मुझे आप लोग को एक्चुअली में दिखाना था कि कैसे होता है क्या होता है घर पर बैठ कर यू नो हाउ एग्जैक्टली एवरीथिंग इज डन एंड आई टॉक्ट अबाउट वॉट स्किन टाइप्स कैन डू इट वॉट नॉट एंड एवरीथिंग इन डिटेल. ओ बिफोर गेट इन द रिकॉर्डिंग्स क्योंकि मैं ये वर्ड बहुत बार यूज करने वाली हूँ IPL दिस स्टैंड्स फॉर इंटेंस पल्स लाइट जो इस गैजेट से आती है एंड इट डायरेक्टली टारगेट्स द सेल्स इन द हेयर फॉलिकल्स. इससे क्या होता है इट श्रिंक्स एंड देयर इज अ रिडक्शन इन योर हेयर ग्रोथ एंड दैट इज हाउ हेयर ग्रोथ रिड्यूसेस विद टाइम. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद दिस प्रोसेस वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा एंड दैट इज द रीजन मैंने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो बनाया बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू सी माई सेल्फ इफ इट्स गोना वर्क और नॉट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. And we are all set with the gadget. Now the most important thing to decide which body parts do I need to do. I am thinking to go with my legs and my underarms is because पैर के बाल बहुत पतले हैं तो ज़्यादा पेन नहीं होता है बट योर अंडरआर्म्स एंड योर प्यूबिक हेयर दे आर लाइक क्वाइट थिक एंड दैट इज द रीजन इट प्रिक्स यू मोर. तो वहाँ पे क्लिनिक में तो मुझे बहुत सारा हुआ था तो आई रियली वांट टू सी इफ दिस गैजेट आल्सो प्रिक्स मी मोर ऑन माय अंडरआर्म्स. इट्स गोना बी सुपर सुपर डिफिकल्ट बिकॉज खुद को ऐसा दर्द देना आई डोंट नो इट्स गोना बी राइट और रॉन्ग बट लेट्स जस्ट start with the gadget first. And this is the growth that you can see on my underarms, also on my knees. I just have these patches on my knees and one or two hair strands here and there. All right, let's begin. You just press this button and under ek fan hai jo chal raha hai jiski awaaz aa sakti hai aapko. To aapko pata to chalega at least ki ye kaam kar raha hai. Fuck, wo flash kitna zyada tha. बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा यार. मैंने पहले से एक आइस पैक रेडी रखा था बिकॉज मुझे लगा था कि भाई कुछ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड इट माइट हर्ट और समथिंग लाइक दैट या फिर रेडनेस ही हो जाए इसके लिए. बट नथिंग एज सच रियली हैपेंड एंड आई रियली डोंट वांट कि 2-3 घंटे बाद भी हो. सो आई एम जस्ट कीपिंग इट सेफ एंड अप्लाइंग एन आइस पैक राइट अवे सो दैट इट काम्स डाउन माय एंटायर स्किन. आई थिंक वी कैन जस्ट गिव इट अ शॉट टू माय अंडरआर्म्स एज वेल. I have shaved my underarms and I'm super scared because during my laser also the underarm part did hurt me and she told me prior only ki kyunki aapke hair thick hai to aapko hurt karega hi. I don't know about this gadget. I'm going to be trying it right now. Take a deep breath. But shit meri bahut phat rahi hai pata hai. I'll start thoda niche niche se pehle because thoda I'm just going for up. जहाँ पे एकदम सेंटर में बाल थोड़े ज्यादा ठीक है. It is hurt me. Okay. All right. It didn't hurt me. I am definitely giving a shot on my pubic hair as well. Dude, अगर इसके रिजल्ट अच्छे हुए ना oh my god. Okay, अब थोड़ा जल रहा है I think बस हो गया. By the way, मैं आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन द वेरी फर्स्ट लाइक द वेरी लोएस्ट इंटेंसिटी. ऐसा हो सकता है कि मे बी आई इंक्रीज द इंटेंसिटी तब मुझे पेन हो बट फॉर टुडे दिस इज मोर देन इनफ.
दिस फील्स सो गुड, ओ माय गॉड. सो अंडरआर्म्स पे मुझे थोड़ा सा ऐसा गरम गरम फील होने लग गया था, लाइक गरम गरम, हाँ लाइक लेजिट. तो ज़ायस इज मेकिंग इट फील सो मच बेटर. ओ माय गॉड, माय अंडरआर्म्स नीड. आई एम डन विद माई अंडरआर्म्स एंड लेग्स. ओ माई गॉड, दिस फील्स सो अमेजिंग. क्योंकि मुझे जनरली बहुत सारा डर लग रहा था कि ओ माई गॉड घर पर कैसे करूँगी जब क्लिनिक में इतनी बड़ी मशीन से वो चीज़ें होती है. बट एवरीथिंग वेंट वेल एंड इट डॉट हर्ट दैट मच. बट थ्री थिंग्स आर आई वुड लाइक टू टेल यू. फर्स्ट, ऑलवेज हैव एन आइस पैक विद यू, बिकॉज यू नेवर नो कि अगर कभी आप इंटेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो और मे बी आपको कुछ यू नो रेडनेस हो जाए या कुछ भी, और इवन इफ यू आर फ्लैशिंग लाइक एट वन प्लेस टू थ्री टाइम्स और मे बी मोर देन दैट, गलती से ज्यादा कर दिया, तो यू विल डेफिनेटली नीड एन आइस पैक. सेकेंड थिंग, अवॉइड गोइंग इन द सन, बिकॉज वेन यू डू ऑल ऑफ दिस, डायरेक्टली कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद सनलाइट इज नॉट रियली गुड फॉर योर स्किन, बिकॉज ऑफकोर्स यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग ऑन द स्किन राइट नाउ एंड इट्स वेरी फ्रेश. एंड अप्लाई अ सनस्क्रीन, लाइक डू नॉट हेड आउट ऑफ योर हाउस बिफोर अप्लाइंग अ सनस्क्रीन आफ्टर यू डू दिस. आई वुड सजेस्ट यू टू डू इन द नाइट ज्यादा, बिकॉज ऑफकोर्स तुम्हें 12 घंटे तो मिल जाते हैं तुम्हारी स्किन को टू गेट बैक टू इट. एंड या आई एम नॉट गोइंग बी doing my hands right now because I really want to see my underarms and legs for results first, and then maybe I'll just carry on with my other body parts. So yeah, I'll see you guys in the later sitting and then let me tell you my experience then. Please ignore the entire lighting setup because I know it's not really perfect, but I really wanted to do at this point of time. It is 9 PM and मैंने मतलब मुझे आदत ही पड़ गई कि मैं अभी रात को ही करूँ ताकि मेरा 12 घंटा तो एटलीस्ट घर के अंदर निकले and I am not really exposed to the sun. So yeah, kindly deal with this setup for now. I've literally sectioned my leg using a chalk. क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत बार है ना मैं वो IPL को एक ही जगह टारगेट कर देती थी गलती से, बिकॉज ऑफकोर्स तुम्हें याद नहीं रहता एंड वाइल मूविंग यू डोंट रियली रियलाइज. सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड सेक्शनिंग माई एंटायर बॉडी पार्ट सो दैट नाउ व्हेन आई यूज इट आई नो कि हाँ ये वाला हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आई कैन डू दैट. आई हैव ऑलरेडी शेप्ड माई अंडरआर्म्स एंड लेग्स बोथ. लेट्स डू दिस. देखो लगता है रात में भी लाइट ज्यादा दिख रही है. ओके सो हाँ, एक और चीज़ आ, ये जो बोन क्या वाला पार्ट है ना, सो यू हैव टू लाइक लिटरली शिफ्ट योर स्किन अ लिटल अप एंड डाउन सो दैट इट हैपेंस, क्योंकि वरना ये टर्निंग्स पे ये काम नहीं करता है, बिकॉज इट नीड्स टू टच योर एंटायर स्किन. सो या सो कहीं भी नी वाले पार्ट पे भी यू हैव टू डू द सेम. सो यू जस्ट नीड टू डू लाइक 2 to 3 फ्लैशेज एट वन, 2 फ्लैशेज इज वॉट आई प्रिफर एट वन एरिया. All right, so I'm done with my underarms and legs. Now let me give you an entire review के क्या हुआ था in all of these times. First thing guys, you have to be consistent. Even when I was traveling, this is very travel friendly, so carry it along. Second, this entire manual has कि आपको कितने level तक बढ़ाना है और कितने times पे you can target one specific area. So you won't get confused कि मुझे कैसे क्या करना है. Third, I saw reduced the number of my hair. In fact, मुझे अभी knees पे तो ज़्यादा दिखते भी नहीं है, but I still shave a little and get started. But एक और चीज़ guys, do not wax or tweeze your hair, because what this does is it targets directly on your hair roots. And of course, once you wax, तो वो पूरा का पूरा अंदर रूट से आपके बाल निकल जाते हैं. सो उसको कुछ टारगेट करने के लिए मिलता ही नहीं है. सो ऑलवेज शेव योर बॉडी पार्ट इन द एंटायर 3 months ऑफ प्रोसेस. डो नॉट वैक्स टू इज इवन वंस. एंड द लास्ट थिंग इज डोंट ऑप्ट फॉर दिस डिवाइस इफ यू हैव अ डार्क स्किन और इफ योर हेयर आर लाइक व्हाइट और लाइट गोल्ड, बिकॉज देन दिस डिवाइस वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर ऑफ योर स्किन एंड द कलर ऑफ योर हेयर. इन टेक्निकल टर्म्स इट कैन टारगेट द मेलेनिन ऑफ योर स्किन रादर देन द मेलेनिन ऑफ योर हेयर, क्योंकि दोनों काफी सेम कलर है. इनफैक्ट इन द user manual there is an entire shade card given which I'll just put it here so that you know whether you should be getting this device or no. And be very careful in opting this device if you are a dark skin, because it can cause you severe burns or hyperpigmentation and all of that, and we don't want that. ये बाल हो तो वो स्किन खराब नहीं कर सकते हम. एंड या आई मीन सो दिस वॉज माई एंटायर थिंग एंड वील वेट फॉर द लास्ट सिटिंग. आई थिंक अब मैं डायरेक्टली लास्ट सिटिंग भी आपको मिलूंगी. See, hi to my sexy legs. Guys, this is the 10th sitting and I literally don't have any strands of hair left. Like यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एंड इसलिए आई थॉट कि मैं 10th में ही कर लेती हूँ, 12th में तो कुछ भी नहीं होगा मेरे पास आई थिंक बोलने के लिए. सो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लाइक एक दो वेरी लाइक वेरी माइन्यूट एक दो स्ट्रैंड मुझे दिख रहे हैं. लाइक यू कैन सी एक्चुअली यहाँ पे एक दो ही है यहाँ पे. एक tiny little one right here, which I think कैमरे में विजिबल नहीं हो रहा है ये.
अब तो ऐसे लग रहा है शेव करने को भी आलस आ रहा है. ऑनेस्टली आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक लीव. मतलब वो होता है ना जब तुम्हें डॉक्टर्स 4 दिन की मेडिसिन खाने बोलते हैं, बट जब तुम 2 दिन में ठीक हो जाते हो तो तुम्हें बाकी 2 दिन तुम अवॉइड ही कर लेते हो खाना. मेरे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है. बट यू शुडंट ऑफ कोर्स डू दैट. यू शुड ऑलवेज कंप्लीट दी एंटायर कोर्स. एंड फॉर दिस ऑल्सो द कोर्स इज ऑफ 12 सिटिंग्स. बट मैं 10 में मुझे ऐसा आलस आने लग गया था कि ठीक है इतना तो चलता है, करने की जरूरत नहीं है. अनराउंड पे अभी भी है. लाइक यू कैन स्टिल फाइंड लाइक एटलीस्ट 10-12 हेयर स्ट्रैंड्स. इतना एकदम से गया नहीं है, बट they've become very thin now. But now let's just begin with the process. Also, I've increased the intensity now. Like I am on 4 currently. मैं 5 तक जा ही नहीं पाई कभी. And I'm back. Guys, there is one thing that I want to tell you, which I completely forgot. Guys, सबको ये लगता है कि ये permanent है. ये permanent नहीं है. ये सिर्फ लेजर हेयर रिडक्शन है. मतलब जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि you know अब मेरे सिर्फ 2 बाल दिख रहे हैं, 3 बाल दिख रहे हैं. एंड क्योंकि इवन आफ्टर आई डिड दैट एंटायर क्लिनिक थिंग, मेरे पैरों पे बाल आपको दिखे ही नहीं थे इन द वेरी फर्स्ट सिटिंग. इफ यू नोटिस्ड सिर्फ कहीं 2-4 बाल थे. तो इससे भी वैसा ही होगा. आफ्टर ऑल द 12 सिटिंग्स योर एंटायर बॉडी का पार्ट जहाँ पे आपने किया है वहां के बाल एकदम कम हो जाएंगे. कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स में पूरे कम्प्लीटली गायब भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन हाउ योर बॉडी इज टेकिंग दिस डिवाइस. बट हर जगह पे यूजली रिड्यूस ही होगा. एंड इट्स लाइक सेइंग कि आपको मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स वैक्सिंग या शेव करने की जरूरत ही ना पड़े. क्योंकि 1-2 बाल के लिए कोई शेव नहीं करने वाला. मतलब वो जो हेयर स्ट्रैंड 1-2 मेरे पैरों पे तो उसके लिए जेन्युइनली मैंने कभी शेव नहीं किया क्योंकि कोई मेरे पैरों में घुसने नहीं वाला है. बट आई जस्ट यूज दिस डिवाइस ऑन माई नी बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट एंटायर पैच. क्योंकि मुझे ऑफकोर्स कोई और सिटिंग्स नहीं करनी थी. तो इसके साथ भी वैसा ही है. इट्स लेजर हेयर रिडक्शन एंड नॉट द एंटायर रिमूवल. इट्स नॉट गोना बी परमानेंट. इट्स लाइक सेइंग अगर कभी आपको 6 मंथ्स में 1-2 यहाँ वहाँ स्ट्रैंड्स दिख भी गए तो एटलीस्ट यू हैव दिस डिवाइस एट योर होम एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट टू टारगेट दैट स्पेसिफिक एरिया फॉर मोर 2-3 वीक्स एंड यू कैन गेट योर रिजल्ट. इट्स लाइक तुम्हें एटलीस्ट एक एंटायर सिटिंग का तो पे नहीं करना पड़ रहा है क्लिनिक. यू कैन जस्ट यूज दिस डिवाइस वेन एवर एंड हाउ एवर यू वॉन्ट. एंड या दिस हैज बीन माई एंटायर जर्नी फॉर ऑल दिस वाइल. नाउ आई थिंक आई एम गोना कम्प्लीटिंग दी एंटायर 2-3 सिटिंग्स मोर एंड देन आई एम गोना मेक एन द फाइनल एंड टू द वीडियो वेर मेरे को लगता है मैं कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बोलूंगी ही क्योंकि मुझे बहुत सारी नॉलेज देनी थी इस चीज को लेकर. एंड सो या फॉर नाउ आई जस्ट एंड दिस ईयर एंड आई सी यू गाइस लेटर. बाय. ऑलराइट. आई एम श्योर आफ्टर सीइंग ऑल द रिकॉर्डिंग्स अभी आपका दिल इतना धक धक नहीं करेगा जितना मेरा कर रहा था फर्स्ट टाइम. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ऑलरेडी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके होंगे. तो लेट मी टेल यू IPL डजंट हैव अ लॉट ऑफ सीरियस साइड इफेक्ट्स. हार्डली आपको कुछ थोड़ी बहुत रेडनेस होगी स्किन में या थोड़ी बहुत स्वेलिंग होगी जो आप ऑफकोर्स आइस लगाओगे तो वो कम हो जाएगी विद इन 2-3 आवर्स. सेकेंड थिंग अप्लाई अ सनस्क्रीन आफ्टर यू डू दिस बिकॉज आई वुड सजेस्ट अवॉइड स्टेपिंग आउट इन द सन. तो जितना हो सके रात में ही ये प्रोसेस करो ताकि 12 घंटे आप अंदर ही रहो घर के. एंड द थर्ड थिंग अवॉइड स्विमिंग पूल्स बिकॉज स्विमिंग पूल्स ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ क्लोरीन. अब तो वैसे भी लॉकडाउन में कोई ज्यादा स्विमिंग पूल खुले नहीं है बट स्टिल फॉर लाइक 1 or 2 डेज यू कैन अवॉइड लाइक 48 आवर्स एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई डिड ड्यूरिंग माई एंटायर प्रोसेस. आई एम सजेस्टिंग यू एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ज्यादा कुछ भी मेजर नहीं है. ऑल्सो दिस प्रोडक्ट हैज 3 lakh flashes. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लिनिक से तो काफी ज्यादा सस्ता है ये चीज. क्योंकि अगर कभी आपको वापस हेयर ग्रोथ हो भी जाता है जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा अंडरआर्म का पूरा हेयर ग्रोथ बैक टू नॉर्मल हो गया था तो आप फिर से आप ये गैजेट यूज कर सकते हो एंड इट्स लाइक डन. यू आर नॉट रियली इन्वेस्टिंग अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर गैजेट. सो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम अगेन क्योंकि मुझे खुद को भी देखना है कि इवन आफ्टर 12 सिटिंग कैसा मेरा हेयर ग्रोथ थोड़ा भी हो रहा है या नहीं. इफ आई हैव अ फ्यू हेयर स्ट्रैंड्स और नो योर एंड देयर. एंड या फॉर नाउ दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन और DM मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. होप यू गाइस लाइक्ड इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Bye.